और ओगिव एक ग्राफ है, यानी कि इसमें हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे ग्राफ बनाने के लिए, और यानी मोर देन टाइप होगा यहाँ पे, एक लेस देन टाइप है। तो ये जो दो पॉइंट हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, तो उस समय जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे वो हमारा मीडियन होगा। तो ग्राफ के ज़रिए मीडियन फाइंड करने का एक तरीका है ये। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, बताता हूँ मोर देन टाइप और लेस देन टाइप कैसे निकाले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसी को देखिए। वहाँ लिखा हुआ है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। हमें एक टेबल दी हुई है, उसके अंदर 50 वर्कर्स का जो है यानी सैलरी जो है, नहीं हाँ डेली इनकम जो है उनकी दी हुई है 50 वर्कर की। तो इसका हमें ओगिव बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है, और लेस देन टाइप का यूज़ करके बनाना है, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी करके। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे बनेगा आपका। जैसे सबसे पहले जो कॉलम बनेगा वो बनेगा सी आई, यानी कि क्लास इंटरवल, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है, और क्वेश्चन में 100 से 120 है, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, ठीक है। ये तो हो गए हमारी क्लास इंटरवल। अब फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है, तो 12, 14, 8, 6, 10। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे करना है। अब सबसे पहले लेस देन टाइप, लेस देन टाइप आपको कॉलम बनाना होगा, लेस देन टाइप, लेस देन टाइप, LTT लिख लो या डायरेक्ट आप लेस देन टाइप लिख लो। तो जैसे हम CFF निकाल रहे थे अभी तक लास्ट क्वेश्चन में, अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बना के दिखाई थी उसमें था कि हम CF निकाल रहे थे मीडियन फाइंड करने के लिए, और CF निकालने के लिए पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको एज इट इज़ और नेक्स्ट वाली की फ्रीक्वेंसी को लास्ट वाली कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। ये CF की तरह ही निकाली जाती है। तो 12 को 14 में जमा करेंगे तो आपके पास 26 आ जाएगा, और 26 को जब 8 से जमा करेंगे 34, और 34 को 6 जमा करेंगे 40, और 40 को 10 जमा करेंगे तो 50, ठीक है। मैंने ये बात बताई थी आपको कि जो CF होता है उसमें जो लास्ट वाली क्लास होती है उसका जो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है N के, या फिर कह लीजिए सिग्मा FI के, ठीक है, यानी कि इसके बराबर होती है ये टोटल, इसका सम ये 50 बराबर होगा लास्ट वाली क्लास की कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी के, ये रहा, ठीक है। मोर देन टाइप की टेबल कैसे बनाते हैं अब वो भी देख लीजिए आप। मोर देन टाइप में हम क्या करते हैं, मोर देन टाइप, ठीक है, मोर देन टाइप में आप नीचे से शुरुआत कीजिए, जो सबसे लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी दी हुई है आप इस वाली को एज इट इज़ लिख लीजिए। सेम फॉर्मूला है दोनों को पता लगाने का, बस फ़र्क इतना है कि लेस देन टाइप बिल्कुल CF की तरह फाइंड की जाती है, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ और उसके बाद ऐड कर दिया जाता है अगली फ्रीक्वेंसी को कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट वाली की में, ठीक है, यानी पिछले वाली में। और इसमें क्या होता है, लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ रख दिया जाता है और ऊपर वाली इनको जमा कर दिया जाता है, जैसे कि 10 रख दिया हमने तो उसके बाद ऊपर क्या है 6, तो 6 को हम 10 में जमा करेंगे तो क्या आएगा 16, इसका जो मोर देन टाइप वो है तो मोर देन टाइप इसका 16 है। फिर 16 में 8 जमा करेंगे तो 8 जमा करते ही 24, और 24 के बाद 14 जमा करेंगे जब 24 में तो आपके सामने आएगा 38, और 38 में जब आप 12 जमा करेंगे तो आएगा 50। गौर कीजिए सेम है बिल्कुल फॉर्मूला, बस फर्क इतना है इसमें पहली वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़, इसमें लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़, नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मोर देन टाइप लेस देन टाइप दोनों कैसे फाइंड करने हैं समझ में आ गए होंगे, ठीक है।
ये दोनों कोऑर्डिनेट यदि आपने फाइंड कर लिए, ये दोनों वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली, तो आप क्वेश्चन के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं। अब बस आपको क्या करना है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, लेस देन टाइप के पॉइंट। और मोर देन टाइप्स के पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ कि कैसे आप फाइंड करेंगे। यदि आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। जो क्लास इंटरवल थी वो थी हमारे पास 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, ठीक है। और आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, और फ्रीक्वेंसी थी 12, 14, 8, 6 और 10, और इसका सम था ओवरऑल 50, ठीक है गाइस। और जो लो देन टाइप है, लेस देन टाइप, लो देन टाइप, लेस देन टाइप, ठीक है। लेस देन टाइप जो है आपका, वो CF की तरह हमने अभी फाइंड करा था, पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, और उसके बाद नेक्स्ट वाली को ऐड करना है आपको। तो जब ऐड करेंगे तो 26, इसमें ऐड करेंगे 34, इसको इसमें ऐड करेंगे 40 और 50, ठीक है। मोर देन टाइप, मोर देन टाइप जब आप करेंगे तो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ यानी 10, ऊपर वाली को ऐड करना है 10 में, ठीक है, यानी 16, 16 में ऊपर वाली को ऐड करना है, 24, 38 और 50, ठीक है, मोर देन टाइप हो गया। अब कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेस देन टाइप, लेस देन टाइप मतलब छोटा, ठीक है। लेस देन टाइप, लेस देन, लेस देन मतलब से कम, लेस देन किसी चीज़ से कम, ठीक है। लेस देन, यहाँ 100 से 120 तक की लिमिट है, गौर कीजिए इस चीज़ को, 100 से 120 की लिमिट है यहाँ पे। लेस देन यानी कि 120 से छोटी वैल्यूज़ इस वाले में है, क्लास वन में रखी गई हैं या फर्स्ट क्लास इंटरवल में रखी गई हैं। 120 से छोटी वाली वैल्यूज़ और 100 से बड़ी वाली वैल्यूज़ इसमें रखी गई हैं, तो लेस देन यानी कि 120 से छोटी। तो हम जो पहला होगा, जैसे हमारा जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट में पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, ठीक है। तो पहले हम रखेंगे लेस देन, इससे कम है, 120 से छोटी वैल्यूज़ इसमें है, ठीक है। तो पहला जो आएगा वो आएगा 120 को हम x मानेंगे, और लेस देन टाइप है, लेस देन टाइप के हमने पॉइंट्स निकाले थे, वैल्यूज निकाली थी, तो क्या आएगा, कॉमा 12, ठीक है। ऐसे करके आपको सबके निकालने हैं। लेस देन 140 से छोटे, 120 से बड़े, 140 से छोटे यानी कि इसमें रखे गए हैं इस क्लास में, तो 140 आएगा, 140 कॉमा 26, ठीक है। लेस देन टाइप का इसी की जो लेस देन टाइप निकालिए उसके पॉइंट लिख दिए, सेम टू सेम ऐसे ही 160 से 34, क्योंकि 160 से छोटी जो वैल्यूज़ हैं, 160 से लेस देन, वो इस क्लास में रखी गई हैं, और 34 इसका लेस देन टाइप जो हमने निकाला था। और इसी के बाद 180, क्योंकि 180 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हैं वे सारी इस क्लास में रखी गई हैं, और हमने जो लेस देन टाइप निकाला 180 का, यानी 160 से 180 की क्लास का, वो निकाला था 40। ये कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। और आपका लास्ट कोऑर्डिनेट यानी 200 से छोटा जो रखी गई हैं वैल्यूज़, इनकम और 50 जो कि लास्ट लेस देन टाइप, ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट लेस देन टाइप के। मोर देन टाइप के में आपको ध्यान रखना है, मोर देन टाइप में आपको 100 से बड़े इसमें रखे गए हैं, यानी मोर देन 100, मोर देन 100, तो 100 मोर देन टाइप का एक कोऑर्डिनेट है,
और 100 को हम x की वैल्यू x की जगह पे x के प्लेस पे रखेंगे, तो 100 कॉमा मोर देन टाइप जो हमने निकाला इस क्लास का 100 से 120 की क्लास का, वो निकाला हमने 50 निकाला, तो जो y कोऑर्डिनेट की जगह पे हम 50 को रखेंगे, ये हो गया हमारा पहला कोऑर्डिनेट। बिल्कुल ऐसे ही 120 से 120 जो कि हमारा x कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, और 38 सेकंड क्लास का ही ठीक है आ जाएगा। इसके बाद सेम टू सेम ऐसे ही 140 और 24 ये कोऑर्डिनेट हो गए, 140 कॉमा 24 और 160 कॉमा 16 और 180 कॉमा 10, ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स। अब आपको ग्राफ पे ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको प्लॉट करना होगा। तो हम ग्राफ यानी कि आप जब बनाए पेपर में तो उसको कोशिश कीजिए कि आप स्केल से बनाएं, स्केल का यूज़ करें ग्राफ बनाते समय, और आपको ग्राफ प्रोवाइड किया जाएगा बोर्ड की तरफ से, वरना आपको शीट पे ही बनवा दिया जाएगा ठीक है। तो ग्राफ मैं आपको डायरेक्ट बना के दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है इस ग्राफ को। यहाँ पे पॉइंट्स रख लीजिए आप 100, 120, 140, 160, 180, 200 ठीक है। यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और 50 ठीक है। लेस देन टाइप जब आप बनाएंगे तो लेस देन टाइप में क्या होगा, नीचे से आप ऊपर की तरफ जो आपकी लाइन है जो ग्राफ है वो जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ। लेस देन टाइप में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है 120 कॉमा 12, 120 ये रहा, 10 ये रहा, 10 से ऊपर ही होगा 12, तो हम यहाँ पे 120 कॉमा 12 ये पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है जो हमारे पास 140 कॉमा 26, इसको जब हम प्लॉट करेंगे 140 ये रहा और 26 ये रहा 20 और यहाँ पे कहीं पे 26 होगा, तो 140 कॉमा 26 ठीक है। फिर 160 कॉमा 34, 160 ये री वैल्यू और 34 आपका 30 यहाँ है, 30 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो 160 कॉमा 34 ठीक है। और उसके बाद 180 कॉमा 40, 180 कॉमा 40, 180 आपके पास ये रहा और 40 आपके सामने ये रहा, तो ये पॉइंट हो गया 180 कॉमा 40 ठीक है। ऐसे ही 200 कॉमा 50, 200 ये रहा आपके सामने, 50 ये रहा और ऊपर को यहाँ पे इस जगह पे आपका जो पॉइंट है ये है 200 कॉमा 50, ये पॉइंट हो गए। इनको आप मिला दीजिए स्केल्स की स्केल का यूज़ करके ठीक है, ये हो गया आपका लेस देन टाइप की लाइन। मोर देन टाइप की करते हैं, मोर देन टाइप में ऊपर से नीचे की तरफ आपकी लाइन आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 100 कॉमा 50, 100 कॉमा 50, 100 ये रहा कॉमा 50 यानी कि यहाँ 100 कॉमा 50, 120 कॉमा 38 ठीक है, 120 ये रहा और 38 यानी कि 30 जब यहाँ पे है तो इसके ऊपर ही होगा और थोड़ा सा 40 से नीचे, तो आप यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए 120 कॉमा 38 को ठीक है। इसके बाद 140 कॉमा 24, 140 कॉमा 24, 140 ये रे पॉइंट 140 ठीक है, और आपका 24 जो कि यहाँ 20 है और 20 से थोड़ा बहुत ही ऊपर होगा
तो यहाँ पे हम मान लेते हैं वन, यहाँ पर मान लेते हैं 140.24, ठीक है, ये वाला पॉइंट पहले इन्हें मिला देते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, ये आ गए, ठीक है। ऐसे ही 160.16, 160.10, यहाँ पे कहीं पे 16 होगा, 160.16, ठीक है। ये आप स्केल से मिलाइएगा इसे लाइन को, ठीक है। हालांकि आपको जो मैं ये लिख रहा हूँ इन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्लॉट करिए और जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाएगा आपका मीडियन, ठीक है। तो अब अगर आप इसको इससे स्केल से प्लॉट करेंगे तो आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, लगभग लगभग अप्रॉक्स लिख दीजिए वहाँ पे। तो ऐसे ही 180.10, 180.10, ठीक है। जहाँ पे इंटरसेक्ट हो वहाँ से आप नीचे ले आइएगा और आपकी सीधी लाइएगा एकदम स्केल का यूज़ करके, आप स्केल से करेंगे तो लगभग यहीं पे आएगा, तो आपका जो मीडियन आएगा यानी कि जहाँ पे आपका पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगी लेस देन टाइप और मोर देन टाइप वाली लाइन है या कोऑर्डिनेट्स, जिस जगह पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ ले आइए लाइन को, और जहाँ पे वो आके जैसे एक्स एक्सिस पे जहाँ पे वो कट करे वो अप्रॉक्सीमेटली वही आपका मीडियन है। तो मीडियन इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 139 अप्रॉक्स लिख दीजिए। तो ये जो चीज़ आपने बनाई है ये है आपका ओगिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बस आपको कोऑर्डिनेट्स ये मोर देन टाइप लेस देन टाइप आना चाहिए, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम कैसे रखते हैं ब्रैकेट में, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी आप क्वेश्चन को फिर बहुत आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था खास जो डिफ़िकल्ट हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और कोई दिक्कत आती है आपको एक्सरसाइज में 14.4 में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।